अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस ट्यूटोरियल्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में आज की हमारी डिस्कशन है सिग्नल्स के ऊपर। सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देन उसको फिजिकली ट्रांसमिट कैसे किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में, सिग्नल्स को समझने का क्या हमें फ़ायदा होगा, ये हमारा आज का एजेंडा है। व्हाट इज़ अ सिग्नल, सिग्नल सिस्टम के सब्जेक्ट में इसकी डिटेल्स पढ़ाया जाता है। आई होप आप लोगों ने पहले इसको स्टडी किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो उसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज सिग्नल। ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, रिप्रेजेंट करना या कह लें कि प्रेजेंट करना, ये सारा सारा जो है हमारे पास सिग्नल के एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिया जाता है। मैथमेटिकल अगर हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे उसको, एक मैथ्स में जो फंक्शंस हम पढ़ा करते हैं अक्सर, उन फंक्शंस के थ्रू हम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज टाइम, और सिग्नल के एग्जांपल हमारे पास है स्पीच सिग्नल एंड पोजीशन इमेज सिग्नल के लिए, इमेज प्रोसेसिंग अगर आपने कोई देखी हो या सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें हमारे पास इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी स्पेसिफिक पोजीशंस वगैरह बताई जाती हैं, और वो जो पोजीशंस होती है वो भी एक किस्म का मैथमेटिकली फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड योर सिग्नल बेसिकली एक फंक्शन के तौर पे हम लिख सकते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के साथ लिखा जाता है। एक कॉमन कन्वेंशन इज टू रेफर टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ए टाइम। टाइम को हमेशा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइम ही हो, किसी और वैल्यू के साथ भी हम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्पीच सिग्नल, वन डायमेंशनल सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एस ऑफ टी, जैसे अगर हम लिखें तो इसकी डायग्राम जो है ये आपके सामने नज़र आ रही है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या मतलब के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में हमने ये सिग्नल ड्रा किया हुआ है, तो ये एक स्पीच सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है। इस ऑडियो सिग्नल को कह लें कि हमारे पास वाई एक्सिस पे हम इसको कंसीडर करेंगे एस ऑफ टी, एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो टाइम वेरिएबल जो टी है उसको लिखा जाएगा, और टाइम के साथ साथ इस सिग्नल की क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या एस ऑफ टी आ रहा है, तो कितना एम्पलीट्यूड है, ये सारी सारी डिस्कशन जो है बेसिकली एक स्पीच सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के हवाले से है। देन उसके बाद ग्रे स्केल इमेज, ग्रे स्केल इमेज बेसिकली ब्लैक एंड वाइट जैसे इमेजेस होती हैं उनको कहा जाता है। नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, तो दोबारा ये डिस्कशन को रिपीट कर देता हूँ कि स्पीच सिग्नल जो हमारे पास ऑडियो सिग्नल होता है ये हमारे पास वन डायमेंशनल सिग्नल है जो कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, एस ऑफ टी के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेकंड है हमारे पास ग्रे स्केल इमेज, ब्लैक एंड वाइट इमेज को जो है टू डायमेंशन सिग्नल कहा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो आई ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये ग्रे ब्लैक एंड वाइट सी इमेज आपको नज़र आ रही है, ये टू डायमेंशन सिग्नल है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आई ऑफ एक्स कॉमा वाई है। देन उसके बाद हमारे पास वीडियो सिग्नल्स हैं या वीडियोस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसको 3x3 डायमेंशनल सिग्नल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, जबकि टू डायमेंशनल जो थी उसमें फंक्शन ऑफ स्पेस अकेला था, यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम ये दोनों चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती हैं, और RGB जैसे कलर्स होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आर के अंदर हम एक्स वाई और टी लिखेंगे, देन जी के भी एक्स वाई टी एंड देन बी के भी एक्स वाई टी, ये हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, इनके थ्रू हम एक जो वीडियो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कलर इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब फर्दर आते हैं कि सिग्नल्स की टाइप्स क्या हैं, या जितने भी हमारे पास अभी हमने सिग्नल्स देखे थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फर्दर मेथड्स हैं।
एनालॉग फॉर्मेट है, डिजिटल फॉर्मेट है, और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल बनाने का तरीका क्या है। ओरिजिनली जो हमारे पास सिग्नल होते हैं वो एनालॉग के फॉर्मेट में होते हैं, उसको हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं सैम्पलिंग के थ्रू, और फिर डिस्क्रीट को स्पेसिफिक इनकोडिंग टेक्निक्स दे के उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को स्पेसिफिक जो है डिस्टिंक्ट वैल्यू असाइन करके हम उसका डिजिटल सिग्नल बना लेते हैं, और उस डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू हम लॉजिक 1010 और 01 इस तरह के लॉजिक को कंसीडर करते हैं और ASCII कोड बनाते हैं, और वो ASCII कोड के जो सिग्नल होते हैं 1s and 0s के फॉर्मेट में जो बिट्स होते हैं उन बिट्स को करंट की शक्ल में या फिर समटाइम लाइट की शक्ल में फाइबर ऑप्टिक्स पे, या फिर हमारे पास जो कोई और मैकेनिज्म है वायरलेस कम्युनिकेशन का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में उसको हम थ्रू करते हैं सेंडर से रिसीवर की साइड पे। तो इस डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे एक एनालॉग सिग्नल है जैसे साइन वेव, तो साइन ये हम लोग काफ़ी से मतलब पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एक साइन वेव जैसे बनी हुई है, इसको अगर हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना हो बनाना तो क्या तरीका कार है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है, सपोज हमारे पास -1 से लेकर 1 तक हमारे पास ये कंप्लीट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फॉर्मेट में हमने कोऑर्डिनेट शो किए हुए हैं, और 0 से हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और फिर माइनस में जाके दोबारा 0 पे आ रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास -1 से लेकर 1 तक टोटल इसका एम्पलीट्यूड है, और इस सिग्नल को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट में, तो डिस्क्रीट में क्या होता है कि सिग्नल्स को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में कह लें कि हर पॉइंट पर अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे जैसे मतलब कटिंग कर दी जाती है। तो हमारे पास सपोज के इनिशियल पॉइंट जो है 0.1 ले लेते हैं, इसको 0 से लेकर 1 तक है, तो ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये 1 है, ये 0 के बाद 1 है, तो फर्स्ट सैंपल इसको हम सैंपल कहेंगे। ये फर्स्ट सैंपल जो हमारा वो 0.5 एम्पलीट्यूड का सैंपल हमने ले लिया, देन उसके बाद थोड़ा 0.7 के लगभग हमारा नेक्स्ट सैंपल ले लिया, देन उसके बाद हमारे पास 1 एम्पलीट्यूड का सैंपल ये कंसीडर कर दिया, सॉरी ये 0.8 या 0.9 ले लें, देन नेक्स्ट वाला जो है वो एम्पलीट्यूड 1 का सैंपल है। अब इसी तरीके से जो पूरी वेव है उस वेव को डिफरेंट सैंपल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन सैंपल्स के बनने के बाद हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन गया। अब ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना है इसको डिजिटल सिग्नल में अगर कन्वर्ट करना हो तो सिंपली डिस्टिंक्ट वैल्यू देंगे हमारे पास, जैसे अगर आपने राउंड ऑफ राउंडिंग नंबर्स का जो है मैथमेटिकल एक्टिविटी परफॉर्म की हो, तो उसमें क्या हम करते थे कि 0.5 से जो ऊपर वाले होते हैं करीब करीब वाले हैं उनके साथ हमने क्या करना होता है कि उनको 1 कर देते हैं, और अगर 0.5 से नीचे वाले हैं तो उनको 0 कर देते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके से एग्जैक्ट वही तो नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल सिग्नल्स भी हमारे पास सैंपल जो 0.5 के करीब करीब वाला सैंपल होगा उसको 0.5 कंसीडर कर देंगे, और जो 0.5 से ज़्यादा ऊपर यानी कि लार्जर एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल है उसको हम एम्पलीट्यूड 1 के बराबर कह देंगे। जैसे यहाँ पे पहले दो सैंपल जो हैं उसको 0.5 के इक्वल रख दिया हमने एम्पलीट्यूड, और देन बाकी जो 3 सिग्नल हैं ये दरमियान वाले ये क्योंकि 1 के करीब करीब मौजूद है तो इसको हमने 1 एम्पलीट्यूड के बराबर सिग्नल को रख दिया। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट उसी तरीके से जो रिमेनिंग 2 हैं उनको 0.5 एम्पलीट्यूड पे, और इसी तरीके से रिवर्स में जो माइनस में एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल्स हैं उनके भी स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट वैल्यू जो है डिजिटल वैल्यूज के फॉर्मेट में उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दोस्तों इसको फिर फर्दर जो है इनकोडिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इसको लॉजिक 1 देना है, लॉजिक 0 देना है, लॉजिक 1 देना है या 0 देना, क्या इसको लॉजिक दे के उससे रिलेटेड सिग्नल बनाया जाता है, एक कंप्लीट सिग्नल बनाया जाता है। अब हमारे पास होता क्या है कि रियल टाइम में क्योंकि हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को या एनालॉग फिजिकल एक्टिविटीज़ को जैसे करंट हो गया, लाइट हो गई, और वायरलेस कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, तो अब सपोज कि हमारे पास करंट केबल के ऊपर आ रहा है, वो केबल का जो करंट है वो रिसीवर साइड पे जब मॉडेम के ऊपर रिसीव होगा, अगर हमारे पास नेटवर्क पोर्ट जो लगी हुई है और उसमें जो नेटवर्क पोर्ट के बैकएंड पे यू नो के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसे मॉडेम भी कहते हैं,
उस मॉडेम पे जब सिग्नल रिसीव होगा वो बेसिकली करंट की फॉर्मेट में होगा। जो करंट की फॉर्मेट में सिग्नल है बेसिकली वो क्या होगा, हमारे पास सपोज कर लें कि फिजिकल सिग्नल होगा। उस फिजिकल सिग्नल्स को हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, 1010 फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसके जिम्मे है कि वो उसका 1010 फॉर्मेट से जो है कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको फर्दर जो यूज़ करना होता है एप्लीकेशन लेयर तक लेके जाएगा। अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमारे पास क्या करता है, और फिर देन उस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करके वापस हम सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्मेट में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब फिजिकल सिग्नल हमारे पास हो, फिजिकल सिग्नल बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी सपोज के मैं बोल रहा हूँ तो ये माइक के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है, या माइक इसको मेरे फिजिकल जो ऑडियो सिग्नल को वो रिसीव कर रहा है, और ट्रांसड्यूसर बेसिकली उसे हम कह सकते हैं कि माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो कि फिजिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल या फर्दर जो कोई और रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करता है। और हमारे पास फिजिकल सिग्नल का एक एनालॉग सिग्नल फॉर्मेट बन गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। देन इसको फर्दर जो है सपोज के कन्वर्ट करना है डिजिटल में, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसके थ्रू प्रॉपर जो है सिग्नल्स की जो है कन्वर्जन होती है, और फिर उसको डाटा कम्युनिकेशन में प्रॉपर जो है ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग जो है यूज़ किया जाता है। अब फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं हमारे पास। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनका हमें आइडिया होना चाहिए डाटा कम्युनिकेशन को समझने के लिए, कि डाटा ट्रांसमिशन अकर्स बिटवीन अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वी आर सम मीडियम। तो दोस्तों नेटवर्क मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है। उसके अंदर हमने वायरलेस कम्युनिकेशन और वायर्ड कम्युनिकेशन वो दोनों हमने डिस्कस किया, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया हमने डिस्कस किया। आई होप आपको जो है इन टर्मिनोलॉजीज़ का आसानी से आइडिया हो चुका होगा कि मीडियम क्या होता है। मीडिया पे जो हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू, कोएक्सल केबल के थ्रू, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, जो कि हमारे पास गाइडेड मीडियम है। और अनगाइडेड मीडियम में वायरलेस मीडियम लाइक एयर, वाटर, वैक्यूम, उसके थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो वो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। डायरेक्ट लिंक क्या होता है, नो इंटरमीडिएट डिवाइसेस, डायरेक्ट एक जो है डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। पॉइंट टू पॉइंट जो है कनेक्शन क्या होता है, ये भी डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे पास। डायरेक्ट लिंक होते हैं ओनली टू डिवाइसेस शेयर लिंक। मल्टी पॉइंट ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ये बेसिकली वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क और सिग्नल के अकॉर्डिंग अब दोबारा से रिपीट करके हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड हैं। सिंप्लेक्स वन वे कम्युनिकेशन को कहा जाता है, जैसे हमारे पास टेलीविजन है उसमें हमारे पास जब भी सिग्नल हम रिसीव कर रहे होते हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं तो न्यूज़ चैनल को हम सिर्फ देख सकते हैं, वापस हम उनको रिप्लाई सेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स मोड में चल रहा होता है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, आइदर डायरेक्शन बट ओनली वन वे एट अ टाइम। वॉकी टॉकी, पुलिस रेडियो वगैरह जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक बंदा जो है वो बोल सकता है, दूसरी साइड से रिसीवर एंड से जो है उस सिग्नल को सिर्फ रिसीव किया जाता है या लिसन किया जाता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, जैसे हम मोबाइल कॉल्स वगैरह आजकल करते हैं वो हमारी बेसिकली वीडियो कॉल्स हों चाहे मोबाइल कॉल हों, ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाती है। ये डायग्राम से मज़ीद आप इसको देख सकते हैं कि सोर्स एंड रिसीवर साइड पे एक सिंगल डायरेक्शन है, देन हमारे पास हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड की डायरेक्शन है लेकिन एक टाइम पे एक, जबकि जैसे कि और ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, और जो फुल डुप्लेक्स है उसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। देन उसके बाद फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ, और इसको जो है इससे रिलेटेड जो कुछ सिग्नल्स डाटा कम्युनिकेशन और हमारे पास जो नॉइस वगैरह हैं उसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज जो हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में हमें हेल्प करती हैं और किस चीज़ को हमने डायग्नोज करना होता है।
तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।